गुरु जी चरण स्पर्श खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है, मैं पैसे से वकील हूँ, हाँ, और मैं मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, ठीक है, किंतु मेरा फर्ज मेरा करते हुए है कि उनको बचाना है। अच्छा, तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ, तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। आप हाँ, वैसे आप तो वकील हैं, आप तो समझ जाते हैं थोड़ी सी इंक्वायरी में कि आप सही हैं या आप गलत हैं। बिल्कुल, फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है, किंतु वो हमारे पास आया है। हाँ, तो हमको आपके तो उसको बचाना है। हाँ, आपके पास आया है तो गलत व्यक्ति यदि है तो गलत को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जीत हमेशा सत्य की सही की होनी चाहिए। मैं सही हूँ और कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत आपके पास आ गया तो आप सोचेंगे ये मेरे पास आया है तो इसे जिताओ। नहीं, कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ, तो गलत है करते हुए ये। आप हमारे हमारे पास जो व्यक्ति आएगा वो किस लिए आएगा? उसकी मदद के लिए कि हम उसको देख सलाह। पर आपको यदि पता है कि ये गलत है, है ना, वो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता, हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। केस नहीं, बनते हैं सिर्फ गरीब। दो लोग हैं केस में, दो लोग होते हैं, एक अपराधी होता है बिल्कुल, एक जिसके साथ अपराध हुआ वो होता है। तो दो में से एक तो सही है। एक तो सही है ना, तो अब दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा, और तू गलत है भैया मैं तेरा केस लेते ही नहीं। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है, हम तो ही लड़ते हैं, वो सरकारी वकील लड़ता है। हम तो उनसे उनके केस लड़ते हैं जो हमारे पास आता है प्राइवेट वर्क, उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं हम। हाँ, अब हमारा तो अब जैसे हमने कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, मारते हम जानते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, हाथ करके बदमाशी करी है, फिर भी हम उसको बचा लाते हैं और बड़ी करवा देते हैं। तो ये तो हमने पाप तो किया है। बिल्कुल पाप तो किया है। इसका प्रतिफल क्या होगा ये मैं सिर्फ जानकारी। अब इसका प्रतिफल तो देखो, हर कर्म का फल भगवान देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भीष्म पितामह जी ने बाणों की सैया क्यों पाई? क्योंकि 21 जन्म पहले उन्होंने एक कांटे को, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, कांटों के ढेर में एक सर्प को फेंका, वो कांटों से चुभ गया और पूरा सांप विदीर्ण हो गया, दर्द से कराह रहा था और अंत में उस सर्प की मृत्यु हो गई। तो कांटों की सैया सांप को दी तो बाणों की सैया भीष्म पितामह को मिल गई। ये कर्म दंड, इसलिए भोगना तो पड़ता है। यदि आप अनजाने में पाप कर लिए हैं तो और क्षमा मांग लिए हैं, अब नहीं करेंगे तो शायद भगवान क्षमा भी करें, लेकिन हमें पता है कि ये गलत है फिर भी हम पाप किए जा रहे हैं तो वो दंड। अब आप पूछ रहे हैं कि उसका फल क्या है? पाप आपने जो किए हैं उसका दंड भगवान देंगे, उसका क्या दंड होगा वो तो ईश्वर ही तय करेंगे, हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले। ये तो कहना सही है आपका साहब पंडित जी, मैं ये इसीलिए पूछने आया था आपसे। हाँ, मैं एक वकील हूँ इसलिए मैंने आपको जानकारी ली। आपकी अब उम्र, इस उम्र में आप पहुँचे हैं, बिल्कुल अब तो मत करो कम से कम गलत। वकालत का धंधा नहीं करो। नहीं, धंधा करो, हम मना कब कर रहे हैं कि वकालत मत करो, पर अच्छे लोगों के लड़ो ना तो केस। अच्छे लोगों के केस तो आते नहीं तो फिर आप छोड़ो, अब आपकी उम्र हो गई, अब भगवान के भजन में लगो, बेईमानी बंद करो। वकील लोग फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, शरण में रहो भगवान की। भूखा कौन मर रहा है भारत में ये बताओ। वकील तो धंधा है ना साहब, ये तो बिजनेस बना रखा है। एक व्यापारी व्यापार करता है, कितना ब्याज लेता है, कितना झूठ बोलता है, कितना बजट क्या क्या करता है। किसी भी, चाहे व्यापारी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी कहीं भी हो, बस हर आदमी को बेईमानी से बचना है, झूठ से बचना है। ये डॉक्टर लोग कितनी फीस ले रहे हैं, जरा से बीमारी के लिए कितना फीस ले लेते हैं, वो उनको अपन भगवान मानते हैं, कैसे भगवान माना जाएगा?
सही है, सबका हिसाब होगा, ईश्वर के घर में थोड़ा देर है। हाँ ये बात तो सही, पर हिसाब जब होगा तो नानी याद आएगी। नहीं भाई, हम तो साहब हम तो ये कहते हैं भगवान से कि साहब हमारा ये बिजनेस आपने कुछ धंधा दिया है इसलिए हम ये कर रहे हैं, बाकी हमारा ऐसा कोई पाप करने की इरादा नहीं है। ठीक तो क्या करें, आपने हमको ये धंधा दिया है काम करने के लिए, अब इसमें हमको बचाना तो पड़ेगा हमारा करते हुए। भगवान ने आपको वकील इसलिए बनाया है कि आप अच्छे सच्चे लोगों को जिताएं, सत्य को जिताएं, झूठ को जिताने के लिए भगवान ने आपको वकील नहीं बनाया। जैसा आपने क्या बोला कि भगवान ने हमें ये काम दिया है, तो भगवान ने अब जैसे मुझे भगवान ने काम दिया है भागवत सुनाने का, तो मैं आपको भागवत सुनाऊं, तो मैं अभी कोई भक्त भैया क्या बोल रहे थे कि उनके बेटा एक गुरु महाराज से जुड़े हैं, जो गुरु महाराज कहते हैं कि मंदिर क्यों जाते हो, कुछ गुरु महाराज ऐसे होते हैं जो मंदिरों से मूर्तियां फेंकवा देते हैं, तो वो लोग उस गुरु पद का दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, खुद को भगवान बना रहे हैं, खुद को भगवान मानकर बिठा दिया कि भाई खुद की पूजा करा रहे हैं और वो मंदिरों से भगवान को हटवा रहे हैं, तो वो अपने उस गुरु पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अब उन्हें दंड मिलेगा। हम उस पद पर बैठे हैं तो हम उस पद पर बैठकर क्या कर रहे हैं कि भगवान ही सब करता धरता है, हम तो दास हैं। वरना कितने गुरु अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हुए, वो खुद ही भगवान बन रहे हैं, तो वो दुरुपयोग है। जैसे आपके कार्य में दुरुपयोग होता है ना चीजों, ऐसे हमारे यहाँ भी दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं, तो हम लोगों का यदि ईश्वर ने ये कार्य दिया है तो इस पद की गरिमा को गलत प्रकार से यूज करने के लिए नहीं, बल्कि समाज का सही मार्गदर्शन करने के लिए हमें भगवान ने इस जगह पर बिठाया और हम वही काम कर रहे हैं। मैं पंडित जी रोज आरती में जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान को मानता हूँ और बहुत धार्मिक आदमी हूँ मैं। हाँ। किंतु मेरा धंधा ये है तो मैं क्या करूँ? सत्य बोलिए, सत्य की राह पर चलिए। बिल्कुल साहब, अभी मैं मेरे को मंदिर डेली जाता हूँ, आरती में डेली जाता हूँ, सुबह भी पूजा पाठ सब अच्छा करता हूँ। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद आकर गलत काम करते हैं तो मंदिर जाने का लाभ नहीं है। तो साहब धंधा ही मेरा ये, तो क्या करूं मैं? बचा देगा। हमने कहा कि आप अपने धंधे को गुरुजी सही राह पर लगाइए। गुरुजी बेटा भी वकील है, पोता भी वकील है, मेरे पड़ोसी हैं बाबूजी। हाँ चलो, हम तो कहेंगे कि आप अच्छे सच्चे राह पर चलें और उसी राह पर चल के जो पैसा कमाएं वही परिवार को रोटी खिलाएं।